हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड। कैसे हैं बच्चे सब लोग? आई होप सो सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, और उस तैयारी को बूस्टअप करने के लिए अपन लोग फुल सैंपल पेपर लेकर के आए टर्म नंबर टू का। टर्म टू क्लास टेंथ के लिए बोर्ड वाले बच्चे जो भी बहुत ज़्यादा फियर अप है मैथ्स के लिए, तो बेटा फियर खत्म कर देना। पूरे दो तीन सैंपल पेपर्स में आप लोगों के सामने पूरे पूरे डिस्कस करूँगा, तो बहुत ध्यान से जिसने पूरा सिलेबस अच्छे से कर लिया है बेटा, वो इन क्वेश्चन को अपने आप करने की कोशिश करना, ताकि आप लोगों को ये लगे कि आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क है या नहीं है। टिल देन मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा 40 out of 40 का स्कोर करने के लिए। माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय, ये आपका प्यारा सा चैनल जहां पर आप लोग मैथ्स के बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फुल प्रोफाइल पेपर का पैटर्न एग्जाम में किस तरीके से होगा उसको ऑब्जर्व करने के लिए आप यहां पर हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। अपन स्टार्ट करते हैं आज के चीज़ों को। बेटा अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप दो तीन पेपर्स आपके इन पूरे जो आपका 5th of May को आपका पेपर है मैथ्स का 10th बोर्ड एग्जामिनेशन का, उसको क्रैक करने में पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास का पहला क्वेश्चन टर्म नंबर टू के अंदर क्या कहता है उसको ध्यान से देखना। सेक्शन नंबर ए आपके पास होगा बच्चा। इस सेक्शन नंबर ए के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास सामने है, ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो। दो नंबर का क्वेश्चन होगा आपके, 2, 3 और 4 मार्क के क्वेश्चन आपके पास होंगे। बहुत ध्यान से इन सब सारे क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करके करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर 4x² पहला क्वेश्चन ऐसे होगा, और उसके साथ चॉइस में आपके पास एक और क्वेश्चन होगा। मैं दोनों क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, ध्यान से देखना बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन है, तो पहली चीज क्या बोल रहा है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए बेटा इस पैटर्न के क्वेश्चन को दो तरीके होते हैं। पहला तरीका आपके पास होता है फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा तरीका बच्चों आप लोगों के पास होता है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। आई होप सो सब लोगों को डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला बहुत अच्छे से आता होगा। तो पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन इन अ प्रॉपर वे, बहुत अच्छे से इस चीज को क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन बाय यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। आई होप सो सबको पता होगा x इक्वल टू माइनस का भी, इसका मैं पहला वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं बेटा, ये a मैं बोल देता हूं, फिर इसको b बोल करके मैं अगला पार्ट सॉल्व करूंगा। ठीक है, मतलब और वाला आप लोगों को एक ही करना है एग्जाम में। x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस का रूट बी स्क्वायर माइनस का कितना 4ac अपॉन में कितना 2 है। आई होप सो सब लोगों को ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से आता होगा। माइनस बी बेटा कौन होता है बेटा, जो यहां पर एक्स के साथ टर्म आ रही है अप्रोप्रिएट साइन के साथ, तो कितना हो जाएगा 4a² प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी 4 4 16, ए की पावर कितना 4 माइनस का 4, ए की वैल्यू कितनी है बच्चा, जो पहली टर्म है वो आपकी ए कहलाती है एक्स स्क्वायर के साथ जो है, और बाद वाली टर्म आपकी सी है। जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेना, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू कितना 0। तो 4ac 4 ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर दिया है, अपॉन में बेटा सीधा 2a कर देना, 2 इंटू कितना 4, यानी 8 आ जाएगा। तो ये आपके पास है बच्चा 4a² प्लस माइनस का अंडर दी रूट ऑफ, यहां पर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, 16 ए की पावर 4 माइनस का 4 4 16, ए की पावर 4 माइनस माइनस प्लस का 16, बी की पावर कितना 4। आई होप सो सब लोगों को यहां तक की गणित समझ आ गई होगी, 4 2 कितना 8। अब ये प्लस का और ये माइनस का दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहां पर आया बेटा 4a² प्लस माइनस का 16 का करेंगे बेटा तो 4b² आप लोगों को मिल जाएगा, अपॉन में कितना 8। तो 4 कॉमन, a² प्लस माइनस का कितना b² अपॉन में कितना 8, 4 से 2 टाइम्स कट कर दो बच्चा, a² प्लस माइनस का b² अपॉन 4 2 8, इज इट क्लियर। तो आपके पास एक वैल्यू हो गई बेटा कितनी x की, a² प्लस का b² बाय 2, और दूसरी वैल्यू हो गई आपके a² माइनस का b² बाय 2। एज यू ऑल नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो रूट्स होते हैं वो हमेशा दो ही होते हैं, तो आपको दो रूट्स यहां पर मिल जाएंगे। आई थिंक सो क्लियर होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसका बी पार्ट करते हैं, ये अपन ने ए पार्ट डिस्कस किया, अब इसका अपन बी पार्ट करते हैं। आई होप सो यहीं पर ही हो जाएगा, वरना मैं पीछे वाले पेज पर कर दूंगा। एक्स स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू बतानी है बच्चों। फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का 2√2x प्लस का कितना 18 के, जिसकी निकालनी है उसको मत भूलो, इक्वल टू 0, हैव इक्वल रूट। बेटा इक्वल रूट की कंडीशन कितनी, d की जगह क्या कर दो 0, यानी b² माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, ये आपका x के साथ जो आता है k को मिला करके, ये पूरा b है, तो 4 4 2 कितना 8, k स्क्वायर माइनस का 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 18 इक्वल टू 0। तो बच्चा 8k² इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा आपका 4k² इक्वल टू, ऐसे सॉल्व मत करो बच्चों, इसको कट करने की कैपेबिलिटी रखो। 4 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 से ये 9 टाइम्स कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, टाइम वेस्ट होता, इस वजह से मैंने ये वाली बात बोली है। यानी k की वैल्यू बच्चा आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस का कितना √9 कर देंगे, तो प्लस माइनस का 3 इज द राइट आंसर। क्लियर, जब रूट्स इक्वल होते हैं
तब सीधा डिस्क्रिमिनेंट को जीरो करना है, ये आपका इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है। जब रूट्स आपके पास क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, तो सीधा डी को जीरो करके एक कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर? चल लेट सीधा अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने है। अरे 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 आपके सामने है, ठीक है। चलो लेट सी बच्चा, शो डैट ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन ए पी। बेटा अगर ये सीक्वेंस एपी में, अगर आप 11th क्लास में होते तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका अलग था। वहां पर आप कंडीशन लगा सकते थे 2b इक्वल टू ए प्लस का सी आ रहा है, तो भैया ये किस में हो जाएगा, एपी के अंदर हो जाएगा। बट यहां पर आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, डी लगाना पड़ेगा, एपी का क्वेश्चन है, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस हियर? तो बच्चा इन दोनों के रेस्पेक्ट में कॉमन डिफरेंस, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है, सेम, मैंने तुमको कुछ कहा, तो इसका डी निकाल लो, इसका डी वन निकाल लो और इसका डी टू निकाल लो। अगर ये डी वन और डी टू आपके सेम आ जाते हैं तो अपन कह देंगे ये एपी में वर्णन नहीं है। तो भैया पहले अपन क्या निकालने की कोशिश करते हैं, डी वन को ही निकालते हैं। तो डी वन कैसे निकालते हैं बच्चों, ए टू माइनस का ए वन, डिस्क्रिमिनेंट याद आया। और ए टू कौन है भैया, यहाँ पर ए टू है ए स्क्वायर प्लस का कितना, बी स्क्वायर, ये तो सबको पता होगा। माइनस का ए वन कौन है बेटा, ए माइनस बी का कितना होल स्क्वायर। तो भैया कर दो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, सबको कंसेप्ट तो पता है ना, एपी में कब होता है, जब कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं तभी आपकी सीरीज एपी में होती है, वरना नहीं होती। बस उसको लगा रहे हैं, माइनस का बी स्क्वायर साइन चेंज कर दिया है, माइनस का टू ए बी आएगा, पर बेटा माइनस बाहर है तो प्लस का कितना, टू ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, धमाधम कट गए, तो टू ए बी आ गया। सिमिलरली आप डी टू निकालो, वही बेटा ए थ्री माइनस का क्या करके, ए टू करके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए थ्री, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए टू कितना है भैया, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। बस अब इसको खोल दो, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का कितना बच्चा, टू ए बी, माइनस ए स्क्वायर माइनस का कितना, बी स्क्वायर, कट कट कटा कट कट, कितना आ गया, टू ए बी आपके पास आ गया। ये भी टू ए बी, ये भी टू ए बी, यानी डी वन इक्वल टू कितना, डी टू। स्टेप मार्किंग होती है बेटा बोर्ड के एग्जाम में, फॉर्मूला लिखने के आधे नंबर, ये करने के आधे आधे नंबर, भीख के नंबर मिल ही जाते हैं, कैसे भी करके ले लो ले लो ले लो, है ना। तो ये नंबर बटोरना तुम्हारे हाथ में, कैसे भी करके बटोरो। अगर डी वन डी टू बराबर है, देयर फोर सीरीज इज एन ए पी, सीरीज किस में होगी, ए पी के अंदर होगी। चल ये तो पहला पार्ट, और वाला पार्ट भी मैं आपको करके बता ही रहा हूँ, तो देखो ध्यान से। Which term of the AP 3, 15, 27, 39, will be 120 more than its 21st term? कौन सी टर्म, यानी कौन सी टर्म, अरे अरे कौन सी टर्म के बारे में बात कर दी है, तो बच्चा कौन सी टर्म मतलब n, n आपको निकाल। Which term of the AP, इसकी कौन सी टर्म होगी AP की जो 120 ज्यादा है 21st term से, यानी an दे रखा है भैया आपको, an के लिए बात कर रहा है वो, कि an जो है वो क्या होगा, मतलब n क्या होगा, उसके लिए अपन an को यूज कर लेंगे। an क्या होगा जब उसकी 21st टर्म जो है वो 120 ज्यादा है, जब उसकी 21st टर्म 120 से क्या है, ज्यादा है। तो भैया कर दो काम, अब काम करने के लिए काम करना आना चाहिए बस। फॉर्मूला क्या होता है, an का a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी होता है। a 21 को आप सीधा लिख दोगे, a प्लस का 20 डी करके लिख दोगे, प्लस का कितना लिख दोगे, 120 लिख दोगे, कर दोगे नहीं कर दोगे, ए से ए काट दोगे नहीं काट दोगे, काट दोगे, जब है सेम तो काटो काटो। एन आपको निकालना है बच्चा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, 15 को 3 में से माइनस कर दो बच्चा, बोला है उसने एपी में, तो कॉमन डिफरेंस बराबर ही होगा, कितना हो गया 12 इक्वल टू 20, कॉमन डिफरेंस कितना 12 मतलब 12, प्लस का कितना 120, ये आपने कर दिया, 12 2 24 240, प्लस का कितना कर दिया 120, n माइनस का 1, बेटा इस 12 को नीचे भेज दें क्या, भेज दो ना, किसने मना किया, तो 2 और 1 3 कर तो सही रहा हूँ ना, एक बार चेक कर लेंगे अपन, 12 3 जा कितना 36 है, 30 यानी मेरे पास तो 31st टर्म आ रही है, तुम्हारे पास भी आ रही है, चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है 31st, पूरा लिखना आंसर, 31st टर्म इज 120 मोर देन 21st टर्म, ठीक है। 31st टर्म होगी जो 120 ज्यादा होगी किससे, 21st टर्म से, इज इट क्लियर, डन। दूसरा क्वेश्चन भी अपन ने बखूबी पूरा कर लिया है, बहुत ध्यान से देख लो, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है तो जल्दी बताना जरूर कमेंट करके कैसा है, और अगर अच्छा लगा तो अपन आगे की तरफ और बातें करेंगे और पेपर डिस्कस करेंगे, तो आपका ओपिनियन बहुत जरूरी है, मुझे जरूर कमेंट करके बताना बच्चे, चले चल लेट्स सी दाना था, ओ माय गॉड लेट्स सी दाना था। ये तो सर्कल का क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा थोड़ा मुझे, तुम्हें भी लग रहा है क्या बच्चों, चलो लग रहा है तो बहुत बढ़िया, करेंगे भी सही। इन फिगर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, कहाँ गई है भैया, ए बी और ये सी और ये डी,
डी नहीं लिख रहेगा, तो डी अपन लिख देते हैं डी। ए बी सी डी सर्कम स्क्राइबिंग अ सर्कल, उन्होंने एक सर्कल को अपने अंदर बटोर रखा है जिसका सेंटर है वो ए डी परपेंडिकुलर है बेटा किसके, ए बी के। कहाँ है ए डी, कहाँ है ए डी, ये ए डी जो है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। बढ़िया, बिल्कुल सही है। तो इफ रेडियस ऑफ इन सर्कल इज टेन, अगर रेडियस इन सर्कल का कितना है, टेन है, मतलब ये भी टेन है तो ये भी आपका टेन हो गया, इनडायरेक्ट वे में टेन हो गया। एक्स की वैल्यू चाहिए, किधर है भैया एक्स, ये वाला एक्स की वैल्यू चाहिए, क्या करें, पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन इन अ प्रॉपर। सबसे पहली बात क्वाड्रेटिल की बात कर रहा है, अगर ये लाइन कौन सी, पूरी बी सी वाली लाइन सी डी वाली लाइन के क्या एकदम बराबर है, क्या है बच्चा एकदम बराबर है, तो ये पूरा 38, तो इतना सा हिस्सा आपको पता लग जाएगा। अगर ये पता लग जाएगा तो ये मिल जाएगा, प्रॉपर्टी थ्योरम लगा करके ये निकाल लेंगे, ये आपका पूरा एक्स है और ये वाली लाइन किसी ना किसी के तो बराबर होनी चाहिए, कट्टू कट्टू ये दोनों भी बराबर हैं ऐसा ये कह रहा है भैया, होंगे भी सही। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले थीम अपन ने जनरेट करते हैं। आपको पता है कि बेटा ए से लेकर के पी तक की दूरी जो है वो ए से लेकर के एस तक की दूरी के बराबर है, और ए से लेकर के पी कितना है आपका, टेन है। ए से लेकर के पी कितना है, टेन है। तो बेटा ए से लेकर के एस तक का भी आपके पास क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना और ध्यान से करना। फिर सी से लेकर के, देखो भैया सी से लेकर के आर तक की दूरी और सी से लेकर के क्यू तक की दूरी ये भी बराबर है, तो इसको भी आप 27 सेंटीमीटर कर देना। ये आपका यहाँ से यहाँ तक का और ये यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 27 हो जाएगा, पूरा 38 है याद रखना। तो 27 ये भी आपका कितना हो गया, 27। बी क्यू आप निकाल सकते हो बेटा, बी क्यू कैसे निकलेगा बेटा, बी क्यू देखो, बी क्यू को निकाल लो। बी क्यू को क्या करोगे बेटा, बी सी माइनस का क्या कर दोगे, क्यू सी कर दोगे, करोगे नहीं करोगे। तो बी सी आपके पास कितना है बेटा, 38 है, पूरा 38 है बेटा, यहाँ से ये लग रहा होगा तुम्हें पर पूरा 38 है, जब उसने दिया है तो पूरा 38 है। माइनस का क्यू से लेकर के सी तक की दूरी अभी अभी निकाली है मैंने, 27, तो 38 में से 27 जाते ही आपके 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। और बी क्यू जो है ये बेचारा पी बी के बराबर है, बी क्यू जो है ये बेचारा सीधा आदमी पी बी के बराबर। अरे क्वेश्चन ही खत्म हो गया, अब तो एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, ए पी प्लस का कितना है, पी बी है, और ए पी आपको कितना है, 10 है, और पी बी आपके पास कितना है, 11। तो आई थिंक सो 21 सेंटीमीटर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, आप लोगों की भी आ जाएगी। आसान सा क्वेश्चन, इतनी सारी चीज़ें दे रखी थी, बस अपन को उसमें से चुराना अपने काम काम की चीज़ें और डेफिनेटली किल द क्वेश्चन। इज इट क्लियर, डन। अरे डन, मज़ा आ गया हो तो लाइक कर देना बच्चा, अच्छे से लाइक कर देना, मज़ा आ जाना चाहिए मुझे भी और तुम्हें भी, ताकि मैं भी आगे की तरफ आपके लिए पेपर लेकर के आऊँ बहुत अच्छे से, ठीक है। नहीं करोगे तब भी लाऊंगा इसे, क्योंकि मेरा फर्ज है मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से इंक्रीज करवाना। चलो देखो, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है बच्चा। ओहो, अगेन क्वाड्रेटिक, अगेन क्वाड्रेटिक, तो आपके क्वाड्रेटिक के भगवान कौन है, जल्दी बताओ क्वाड्रेटिक के भगवान कौन है, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, यस अप्लाइड डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। तो एक्स इक्वल टू बच्चा कर देंगे माइनस का बी, फार्मूला हर बार लिखना, फार्मूले के नंबर होते हैं, बी स्क्वायर माइनस का कितना, 4ac अपॉन में कितना, 2। कहा था मैंने भीक के नंबर होते हैं, भीक मतलब फार्मूले के नंबर, पूरा सही नहीं करोगे तो भैया कुछ कुछ नंबर तो चाहिए ही ना आपको हर क्वेश्चन में। तो बी कितना है बेटा, जो एक्स के साथ आ रहा है, मतलब 5, प्लस माइनस का अंडर रूट, बी स्क्वायर मतलब कितना, 25, माइनस का 4, ए की वैल्यू 1 है बेटा, ये कितना ए स्क्वायर प्लस का ए माइनस का कितना 6, विद माइनस साइन है तो ये प्लस का हो जाएगा, अपॉन में कितना 2 है तो कितना 2, तो ये आ गया माइनस का 5 प्लस माइनस का अंडर रूट 25 प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई, 4a स्क्वायर 4a, 4 6 कितना 24, 4 6 कितना 24, अपॉन में कितना 2। इज इट क्लियर और नॉट, यस और नो, तो बच्चा कर दो 2 प्लस का अंडर रूट, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस का कितना 4a प्लस का कितना 1, अरे ये तो 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर लग रहा है मुझे, तुम्हें भी लग रहा है बच्चों, यस यस यस, ये 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो रूट से बाहर निकाल दूँ, चलो पहले तुम्हारे लिए लिख देता हूँ 2a प्लस 1 का कितना होल स्क्वायर, हर बच्चा जरूरी है अपने लिए, माइनस का 5 प्लस माइनस का किसी 2a प्लस का 1 अपॉन में कितना 2, तो बच्चा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में तोड़ दो, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, तो माइनस का 5 प्लस ये 2a प्लस का 1 ऊपर लिख रहा हूँ बेटा 2 कॉमा, माइनस का 5 माइनस का 2a माइनस का 1 अपॉन में कितना 2, तो एक आ गया बेटा माइनस का 4 प्लस का कितना 2a अपॉन 2 कॉमा, माइनस का 6 माइनस का कितना 2a अपॉन में कितना 2, सॉल्व कर दो, 2 2 4 प्लस का कितना है, 2 3 6 माइनस का कितना है, ये आपकी वैल्यूज आ गई, एक आ गई आपकी a माइनस का 2 यानी x की वैल्यू आ गई a माइनस का 2 और माइनस कॉमन a प्लस का कितना 3। आई होप सो ये सब बातें अच्छी लग रही होंगी, समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे से। चल लेट सीधा अनदर वन, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आया बिल्कुल इजीली, लगाओ काम हो जाएगा भैया,
भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, पर नहीं पहले क्वेश्चन को करना। चलो बच्चों, द 3/4 पार्ट किसका कॉनिकल वेसल का जिसका इंटरनल रेडियस 5 सेंटीमीटर। भैया इंटरनल रेडियस दे रखा है, एक 3/4 आपका कॉनिकल वेसल। फिगर को तो देख लेते हैं बना करके कितना काम इसके अंदर हो रहा है। अब इस कोन के अंदर जो 3/4 पार्ट है कॉनिकल वेसल का, हुज इंटरनल रेडियस इज 5, ये दूरी है कितनी 5, दैट इज 5 सेंटीमीटर। एंड हाइट है आपके पास बेटा कितना 24, तो हाइट है आपके पास कितनी 24 सेंटीमीटर। ये इस फुल ऑफ वाटर, ये पूरा पानी से, पानी 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 से भरा हुआ है बच्चों। द वॉटर एम्प्टीड इन टू सिलेंड्रिकल वैसल, वाटर को आपने खाली किया कहाँ पर, किसी सिलेंड्रिकल वैसल में। अब पानी को आपने इस तरीके से खाली कर लिया है इस सिलेंड्रिकल वैसल में, ठीक है, जिसका इंटरनल रेडियस है। भैया इसका भी इंटरनल रेडियस है कुछ ना कुछ, कितना इंटरनल रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर, बड़ा है मतलब। हाँ, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉटर इन द सिलेंडर वैसल, बताओ कितनी हाइट होगी वॉटर की सिलेंड्रिकल वैसल के रेस्पेक्ट में जिसमें पानी भर गया है, ठीक है। ऐसा बोला नहीं है पानी भर गया, बस मैंने मान लिया। तो 3/4 जो पार्ट था कॉनिकल वेसल का जिसका इंटरनल रेडियस और हाइट इतनी है, उसको 3/4 हिस्सा टोटल हाइट का, जैसे ये हाइट है आपकी टोटल एच, इसको कैपिटल एच कह देता हूँ या इसको एच डैश कह देता हूँ। तो बेटा ये टोटल जो हाइट है इसका 3/4 हिस्सा, 3/4 पार्ट आपका पानी से भर दिया गया है। 3/4 पार्ट जो है वो पानी से क्या कर दिया बच्चों, आपने भर दिया। अब वॉल्यूम ऑफ, पहले कोन का वॉल्यूम कितना होता है कॉनिकल वेसल का, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और ये कितना एच, आर स्क्वायर और ये कितना एच। अब आर स्क्वायर आपको पता है, बस उसको अप्लाई करना है और काम कर दे देना है, शुरू कर देना है। बोलो क्या करें, बोलो क्या करें। तो भैया क्या करेंगे, देखो ये 1/3 तो ठीक है, पाई भी ठीक है, आर कितना है बच्चों इसका 5 है, तो 5 का स्क्वायर। हाइट कितनी है इसकी, हाइट कितनी है टोटल 24 है, उसने बोला 24 है भैया, 3 8 24 कट सकता है अपना, काटो फिर कट सकता है। तो भैया ये आपका 25 × 8 × π, स्मार्ट कैलकुलेशन, 25 4 100 होते तो 4 2 8 भी तो होते, तो 200 हो गया, 25 4 आधा कर लो, ताकि चीज़ें यार मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े, टाइम कम चीज़ें ज़्यादा, पेपर को करने का की पॉइंट पूरा करने के बाद चेक जरूर करना है, तभी मज़ा आएगा। तो वी इक्वल टू 20 200 π, ये आ जाएगा सेंटीमीटर कितना, इज इट ओके। अब आपने इसका पानी निकाल करके इसके अंदर डाल दिया है, तो बताओ कितना भरेगा भैया ये। अब उसको बोला है कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो आपका 3/4 हिस्सा लेगा, किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन का, किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन का। सिलेंडर का कितना होता है बेटा पाई, इसको बोला कैपिटल आर स्क्वायर, इसको एच डैश माना था तो एच डैश मान लो, कांग्या 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 इरेज, मेरे पास ही पेन का उल्टा हिस्सा होना चाहिए, इरेजेबल पेन, पाई आर स्क्वायर है, चाहिए 3/4 है, वॉल्यूम कितना भैया इसका 200 π है, ये सबसे पहले दिख रहा है, तो काटो। इसका रेडियस कितना है बेटा 10, इंटू कितना हो जाएगा 10, एच डैश आपको बताना है, बताना नहीं बताना, 3 × 4 5 20 50, तो कितना हो गया 50, तो एच डैश कितना आ जाएगा 3 5 15, 150 upon 100, 1.5 सेंटीमीटर होगा, इतनी हाइट तक वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, भर जाएगा। इज इट ओके, क्या बात समझ आ गई है, बहुत अच्छे से। चलो जल्दी से अप्लाई करो, हाँ या ना, क्या कह रहा है समझ गया ना, कि इसका पानी उड़ेल करके इसमें डाल दिया, और इसका जो वॉल्यूम है 3/4 पार्ट जो कॉनिकल वेसल का है वो पानी से भरा हुआ है, जो भी वाटर है उसको आपने खाली कर दिया है सिलेंड्रिकल वेसल, मतलब इसका वॉल्यूम इसमें खाली हो गया है, इसलिए आपने ये वाली टेक्निक अप्लाई करी कि इसका वॉल्यूम 3/4 होगा इसके कोण, बस बाकी काम आपको बिल्कुल आसानी से जानते हो कर दो ना। स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन, स्टेटस बताएगा ये दुनिया का स्टेटस बताएगा बच्चा, क्या कह रहा है, मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो मीन है इसका वो दे रखा है 25, यानी आपको बेटा आंसर दे रखा है 25, मुझे पी की वैल्यू बतानी, कहाँ है भैया पी, ये रहा इस पी की वैल्यू बतानी। तो बच्चों सबसे पहले इस टेबल के अकॉर्डिंग जो आपका क्लास इंटरवल है, ये आपकी फ्रिक्वेंसी है, इसको सॉल्व करो, ये आपका 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, और 40 से 50 भी तो है, इसको लिखा। फ्रीक्वेंसी आपकी 4 है, इसकी 6 है, इसकी 10 है, इसकी 6 है और इसकी कितनी है पी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी। पहले क्या करो, मीन निकालना है, तो भैया मीन का फॉर्मूला सोचो, मीन नहीं निकालना, मतलब मीन का, मीन दे रखा तो मीन का फॉर्मूला सोचो, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सोचो सोचो और बताओ। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई होता है, लगाएं लगाएं, और क्या ऑप्शन है अपने पास, तो समीशन ऑफ आपने किया बेटा एफ आई एक्स आई,
अपॉन सबमिशन ऑफ कितना कर दिया एफ आई इज इक्वल टू मीन, मीन मतलब कितना 25। अब क्लास इंटरवल देर का सी आई, इससे बेटा आप एक्स निकाल सकते हो, इनके बीच का वैल्यू, इनके बीच का वैल्यू, तो वो क्या कहलाएगा आपका एक्स आई कहलाएगा, ये आपका एफ आई है। तो 0 प्लस का 10 बाय 2 यानी कितना 5, 10 प्लस का 20 बाय 2 30 बाय 2 मतलब 15, फिर तो बढ़ाते चले जाओ 25 हो जाएगा, फिर 35 हो जाएगा, और फिर तो आपको पता है 45 भी हो जाएगा। फिर आप कर दोगे बच्चा कितना एफ आई एक्स आई, क्या कर देंगे अपन एफ आई एक्स आई, 5 4 जा 20, 15 3 45 मतलब 90, आप कैलकुलेशन, 25 250, उसके बाद 210, 3 जा 70 होता है 7, 3 जा 21 होता है, 210 आ जाएगा आपका बिल्कुल 35 into 6। इसके बाद 45 और ये कितना पी, बेटा इसको और ऐड करो, एफ आई 6 4 10 10 20 26, 26 प्लस का कितना हो गया ये तो पी, नंबर 9 2 11 11 36 36 6 7 और ये 2, ठीक है 37, ये आ जाएगा आपका बेटा अप्रोक्सीमेटली 570 प्लस का कितना 45 और ये कितना पी। बस अब क्या करना है, लग दो यहाँ पर का 570 प्लस का कितना 45 पी अपॉन में 26 प्लस का कितना पी इक्वल टू आपके पास है बेटा 25। तो आपने क्या 570 प्लस का कितना 45 पी इक्वल टू 25 इंटू 26 प्लस का कितना पी कर दिया, ओके या सोनू। अब बेटा 25 इंटू 26 25 6 25 75 यानी 150 150 यानी 0 और 15 कैरी 25 2 50 यानी 57 650 प्लस का कितना 25 और ये कितना पी, ये आपका 570 प्लस का कितना है 45 पी है। इसको इधर भेज दो बेटा 40 पी, यार कहाँ 45 पी है वो, गंदा गंदा लिखता हूँ ना इसीलिए गंदा गंदा होता है, तुमसे कहता हूँ साफ साफ लिखा करो, ये 6 है ये 5 है, सारे रब कर दिया सर आपने, देखो भैया ये कितना था 650 और ये कितना था 25, ये कितना है 570, ये कितना है 45। तो 45 पी माइनस का कितना 25 पी, 650 माइनस का 570, तो 25 में से 45 में से 25 गया तो बच्चा कितना बचेगा, कितना बचेगा 0 और ये 20, 20 भी बचेगा, तुम ही कह रहे हो 20 बचेगा, 7 15 में से 7 8 7 7 14 15 8 5 80, तो P इक्वल टू 80 बाय कितना 20 2 4 जाए, P की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, इज इट क्लियर। मीन के रेस्पेक्ट में आंसर आ गया, पानी पी लो थोड़ा, तुम बोलो चलो पी लेते हो, आ रहा है, चलो वेरी नाइसली डन। सेवंथ क्वेश्चन ए सेक्शन समाप्त हो गया, बहुत बखूबी दो दो नंबर के क्वेश्चन अपन ने बहुत जल्दी कर लिए। अब बेटा आपके पास आता है भैया सेवंथ क्वेश्चन, क्या करें, मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट, अगेन स्टैटिस्टिक्स का पहला क्वेश्चन मीडियन निकालना है, क्या निकालना है मीडियन निकालना है, तो क्या कर दें, अब मीडियन निकालना है, सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, आधा नंबर फॉर्मूले का मिलेगा ही मिलेगा अगर अगली कैलकुलेशन आपने गड़बड़ कर दी तो। फॉर्मूला L प्लस का बच्चों कितना n बाई टू माइनस का सी एफ, एल प्लस का n बाई टू माइनस का सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय कितना h, सी एफ आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, f आपकी फ्रीक्वेंसी, h आपका इनका बीच का डिफरेंस 5, l आपकी लोअर लिमिट, बाकी सबको पता है। अब बेटा इसके रेस्पेक्ट में टेबल तो बनेगी ही बनेगी, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स और क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें, लाइन थोड़ी सीढ़ी आ रही है, कोई बात नहीं चल जाएगा ना तुम लोगों के, 30 से 35 है बच्चों, इसके बाद है 35 से कितना 40, बस यही समय खाते हैं, बस 40 से 45 पर पेपर में पूरे नंबर भी देते हैं, समय की परवाह कम करो और नंबर की परवाह ज़्यादा, 55 से लेकर के 60 और 60 से लेकर के कितना 65। नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर है आपके पास 14 16 28 23 18 8 और 3, इनके आगे पीछे मत जाना, मेरे ऊपर नीचे हो जाएंगे, है ना वो है, ये सब दे रखा है। अब सबसे पहले बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी, जरूरत पड़ रही, कैसे निकालेंगे, पहला वाला तो एज इट इज होता है, पहला वाला तो एज इट इज होता है, अरे नहीं 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 हाँ, फिर 14 में 16 जोड़ो 30 होता है, 30 में 28 ऐड करो 58 होता है, ऐड कर रहे हैं 14 में 16 जोड़ा 30 हो गया, 30 में 28 जोड़ा 58 हो गया, 58 में 23 ऐड ऑन किया तो 81 हो जाएगा, 8 9 10 11 81, 81 में 18 जोड़ा बच्चा तो 99, 99 में 8 जोड़ा तो बच्चा कितना आ जाएगा 107, और 107 में 3 जोड़ेंगे तो 110, इज इट ओके। इनका जो टोटल है और ये जो 110 है ये बराबर आना चाहिए, करके देख लो, बोले
आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह और अट्ठारह आपके 29, 29 नौ दस ग्यारह बारह, 54, 12 के बाद 54 और ये 30, 3, 54, 5, 6, 7, 8, 80, बाकी का आ जाएगा 110। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये 110 आएगा, इन सबका सम 110 आ रहा है। अब आपको फॉर्मूले में टिकाना है बेटा। सबसे पहली बात, इसमें से चूज करो एन आपके पास कितना आया, 110। इसको पहले एन बाय टू करो, तो 110 बाय टू क्या कितना आया, 55। 55th टर्म कहाँ लाई करेगी बेटा, 40 से 45 के बीच में, 40 से 45 के बीच में, नहीं 45 से 50 के बीच में लाई करेगा। इसके जस्ट ऊपर वाला अपन कंसिडर कर लेंगे। तो सबसे पहली बात, ध्यान से ऑब्जर्व करके बात करना। क्या करना, ध्यान से ऑब्जर्व। थर्ड वाला इंटरवल है, आप सबसे पहले क्या करो, 55th टर्म जो लाई करेगी आपके पास, 50 से 55 के बीच में लाई करेगी, है ना। यहाँ देखो ये रहा 58, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 58। तो नियर अबाउट आपको यही चूज करना है। इसके ऊपर वाली वैल्यू आपकी सीएफ की होगी, यानी सीएफ की वैल्यू हो गई आपके पास बेटा कितना, 30। इसके सामने वाला आपके पास होगा फ्रीक्वेंसी, यानी एफ हो गया आपके पास कितना, कितना हो गया, 28 हो गया। और लोअर लिमिट आपके पास हो गई बच्चा कितनी, 40। लोअर लिमिट हो गई आपके पास कितनी, 40। टिका दो, आंसर आ जाएगा। मीडियन कितना, एल, एल मतलब 40। समझे कि नहीं समझे बात को यहाँ तक। आपके पास क्या आ रहा है बेटा, तीन इधर छोड़ दो, तीन इधर छोड़ दो तो 23 आ रहा है, 45 से इसके बीच में, ये भी ले सकते हो। एल कितना, 40 प्लस का एन बाई टू, 55 माइनस का सी एफ, सी एफ कितना है बेटा आपका, 30 अपॉन एफ कितना आपका, 28 और एच कितना है आपका, डिफरेंस 5। सॉल्व कर लो, आंसर 40, 55 में से 30 गए तो बेटा कितना आ जाएगा, 25। यस ऑन, फिर 28 मल्टीप्लाई बाय कितना, 5। सॉल्व इट इन अ प्रॉपर वे, 40 प्लस का 5 से कट गया ना, तो 1/1.12, तो बेटा ये अप्रोक्सीमेटली 4.46 आ जाएगा। तो 44.46 आपके पास आंसर अप्रोक्सीमेटली बोल रहा, आ गया। आधा पढ़ाओ पार कर लिया है अपन ने, 7 क्वेश्चन पर है, इजीली कर लिया है अपन ने कंप्लीट। चले अगले पर, मीडियन मार्क्स आपको पता लग गए कितने होंगे। 100 स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं अपन, तो 100 स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में 50 के रेस्पेक्ट में बात कर ली। नाउ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ सर्कल, मुझे सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस है 2। पहले रफ स्केच बना लो एक सर्कल जिसका रेडियस है कितना, 2। टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल, टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल सच डेट ओ से लेकर के, सेंटर से लेकर के पी तक की दूरी 6.5 है, कितनी है, 6.5 है। फ्रॉम पी ड्रॉ अ टेंजेंट, इस पी से आपको टेंजेंट बनाना है। अच्छा, तो ये वो वाला है परपेंडिकुलर बायसेक्टर निकालने वाला। तो सबसे पहले तो वही क्या बनाओ, एक सर्कल बनाओ। ये सर्कल बना दिया, बहुत प्यारा सर्कल बनाया मैंने, ये सेंटर बोल दिया, ये कितना है आपका, ओ है, यहाँ से आता की दूरी आपकी 2 है। अब स्केल लेना बेटा और स्केल से बिल्कुल ये 6.5 की लाइन खींच देना। ये आपने कितनी बना दी, 6.5 सेंटीमीटर की लाइन आपने ड्रॉ कर ली। अब आप क्या करोगे बच्चों, ये यहाँ से इसका मिड पॉइंट निकालोगे, यानी परपेंडिकुलर लाइन बायसेक्टर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इनको बिल्कुल पूरा 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 नीचे लाए। ये आपको सेंटर मिल गया, इस पॉइंट को बोल दिया एम, क्या बोल दिया एम, इसको सेंटर मानते हुए और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस मानते हुए सर्कल ड्रॉ कर देना बेटा, सर्कल ड्रॉ कर देना। तो आपका सर्कल समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ आपका सर्कल आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो ये सर्कल ड्रॉ हो गया। अब आपको टेंजेंट बनाना है, तो इस पॉइंट से इसके पी वाले पॉइंट को मिला दो, इस पी से इस वाले पी को मिला दिया, इस पी से इस वाले पी को मिला दिया, ये आपकी टेंजेंट होगी। इसको आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए दिखा देना, तो उसको भी लगेगा टेंजेंट बनाया। आ गया, इज इट ओके। स्टेप्स के बारे में बोले तो स्टेप लिख सकते हो, फर्स्टली ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर ओनली फ्रॉम ओ, टेक अ पॉइंट पी डैट इज 6.5 सेंटीमीटर, ये स्टेप नंबर 2। Now draw a perpendicular bisector of OP, take a midpoint as M. Now draw a circle as OM as a radius, circle draw कर लिया। Now join O, इसको बोल देना बेटा A और इसको बोल देना B, जहाँ पर दोनों circle कट रहे हैं। AP and ABP are the required tangents. These are the steps which you can make it in a proper. Okay, चल like this. Now the next, फिर से statistics, यार मतलब तीसरा question है, सोच सकते हो तुम, तीन क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स है, बहुत बड़ी बात है। क्वाड्रिक से अपने तीन क्वेश्चन हो चुके, अपन ध्यान से करेंगे। पर अब इसको क्या कह रहा है, देखो
फाइंड द मोड, तीनों क्वेश्चन आ गए हैं इसके अंदर, तीनों कंसेप्ट ले लिए हैं क्वेश्चन, मीडियन भी ले लिया है, मीन भी ले लिया है, और तीसरा जो आपका तैरता हुआ आ रहा है कि मोड भी ले लिया है। ठीक है, बस अब आपको मोड में तो कुछ करना ही नहीं होता, आपको काम क्या करना है भैया, सबसे पहले मोड का फॉर्मूला, किसका मोड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एल प्लस का एफ वन माइनस का एफ नॉट अपॉन टू एफ वन माइनस का एफ नॉट माइनस का कितना एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच, मल्टीप्लाई बाय कितना एच। सबसे पहले मोड, सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कौन सी है, 29 इज द बिगेस्ट वन। मोड में सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी देखनी होती है कि सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कौन है, 29, यानी इंटरवल हो गया आपका 60 से लेकर के कौन सा 80 वाला। लोअर लिमिट आपको पता लग गई कौन है आपकी 60 है। एफ वन आपको यहां से पता लग जाएगा, जो ये 29 आया है ये आपका इंडिकेट करेगा बच्चा किसको, एफ वन को, किसको बताएगा ये, एफ वन को, रेड पेन ले लेता हूँ, ये 29 जो आया है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, एफ वन को। इसके पहले वाला ऑब्वियसली एफ नॉट होगा, इसके बाद वाला ऑब्वियसली बात है एफ टू होगा, बस खत्म खेल। एच आपको पता ही है 20 है आपके पास, बस लगा दो और काम कर दो, शुरू करें, इरेजर से ये गंदा सा इरेज कर देते हैं ताकि आपको सब दिखेगा, कितना प्यार से इरेज हो जाता है। एल, एल कितना है बच्चों, 60। एफ वन कौन है, 29। एफ नॉट कौन है, 21। टू इंटू एफ वन कौन है, 29। एफ नॉट कौन है, 21। एफ टू कौन है, 17। मल्टीप्लाई बाय एच कौन है, एच कौन है भैया, 20 है, तो 20 लगा दी, तो ये हो जाएगा 60 प्लस का 8 अपॉन 29 को 2 से कर दो बच्चा, कितना आ जाएगा, 2 9 18 58, और 21 और 17 आपका हो जाएंगे 38, 38 मल्टीप्लाई बाय कितना, 20, तो ये हो गया 60 प्लस का 8, 16 नहीं कर सकते, 58 में से 38 गए तो बच्चा कितना आ गया आपके पास, 20। अच्छा इसीलिए मेरा हाथ नहीं चल रहा था, हाथ को पता होता है अगला कदम क्या उठाना, कट जाएगा ना, तो 68 आपके पास क्या आ गया बच्चा, क्या आ गया, हाँ बोलो ना क्या आ गया, मोड आ गया, और क्या आया, ठीक है, तो 68 इज द मोड। नाउ गिवन मीन ऑफ द अबव, मीन दे रखा है, वो पार्ट टू भी देखना मत भूलना, इतना नहीं कि ऊपर का पढ़ करके छोड़ दिया एग्जाम में, नहीं आगे भी पढ़ो, हर चीज को पढ़ करके एक बार अंडरलाइन कर लो क्या क्या निकालना है। गिवन द मीन कितना है, 53, यूज एम्पिरिकल रिलेशन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ मीडियन। भाई साहब तीनों क्वेश्चन है इसके अंदर, मीडियन, अब रिलेशन, एम्पिरिकल रिलेशन कौन सा होता है पहले ये बताओ, व्हाट इज द एम्पिरिकल रिलेशन बेटा, मोड इक्वल टू, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस का 2 मीन, 3 मीडियन माइनस का कितना 2 मीन, कर देंगे खिड़की बना देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। मोड आपके पास निकाल लिया आपने 68, 3 मीडियन कर दिया क्योंकि मीडियन तो आपको निकालना ही है, मीडियन माइनस का 2 मीन यानी 2 इंटू कितना कर दिया बच्चों, 53, तो 68 प्लस का 3 टू जा कितना 6, 5 टू जा कितना 10, 106 इक्वल टू 3 मीडियन, 3 कितना मीडियन, तो 68 में 8 4 12 13 14, 14 का 4 1 कैरी 7, 174 अपॉन में कितना 3, ये आ गया आपका कितना मीडियन बेटा, कट कर दो भैया, 174 को काटा, 3 5 जा 15 और 3 8 जा कितना 20, तो मीडियन आपके सामने है कितना आ गया भैया 58। इज इट क्लियर, क्या बात समझ आ गई है अच्छे से, एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज़ें, कंडीशन, एम्पिरिकल रिलेशन याद होना चाहिए क्या होता है। बेटा जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो पहले से ही मार्क कर लो निकालना क्या क्या है, एम्पिरिकल रिलेशन से आपको एस्टिमेट करना है मीडियन, और क्वेश्चन में पूछा है क्या मोड, कई बच्चे इसको करके ही छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना बच्चों को दिक्कत आएगी, ठीक है, आई थिंक सो मज़ा आया होगा। चल क्वेश्चन नंबर 10 किसका है भैया ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, बोलो, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अ मैन ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल ऑब्जर्वेशन, एक आदमी जो ऊपर ही ऊपर है वर्टिकल ऑब्जर्वेशन टावर पर, ऑब्जर्व अ कार, टावर बनाओ भैया पहले, क्या बनाओ, टावर, ये आपका टावर, टी ओ डब्ल्यू ई आर, टावर, अ मैन ऑन द टॉप ऑफ द ऑफ अ वर्टिकल ऑब्जर्वेशन टावर ऑब्जर्व अ कार मूविंग एट ए स्पीड कमिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स इट, ये इस टावर की तरफ आ रही है, उसने एक कार को ऑब्जर्व किया, मैंने नई कार बनाई है, ये कार को ऑब्जर्व किया जो किसकी तरफ आ रही है, इसकी तरफ आ रही है, अच्छी कार है ना, चलो टूवर्ड्स इट, इफ इट टेक्स 12 मिनट्स, इसने 12 मिनट लिए फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, किसके लिए 12 मिनट लिए, टाइम बता दिया भैया कितना लिया उसने, 12 मिनट लिया किसके लिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से, यहाँ से कितना हो रहा है बेटा 30,
तो ये ऑब्जर्वेशन भी आपकी यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई 30, इतना तो काम मेरे को समझ में आ गया। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 245 डिग्री, टू कितना 45 डिग्री। हाउ लॉन्ग विल द कार, हाउ लॉन्ग विल द कार, यानी यार ये भी होगा आपके पास, सोचो ध्यान से, हाउ लॉन्ग विल द कार। अब ये यहाँ से, ये यहाँ से 45 डिग्री इसने इधर से भी बनाया, क्योंकि वो यहाँ से भी बनाया उसने 45 डिप्रेशन। कार चलती चलती कुछ तो चलेगी ना, कार चलती चलती कहाँ आ गई, यहाँ आ गई 12 मिनट में, ठीक है। इफ़ इट टेक 12 मिनट्स फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 30 टू 45 डिग्री, हाउ लॉन्ग विल द कार, कितना कार टेक करेगी टू रीच द ऑब्जर्वेशन टावर, टावर तक पहुँचने में फ्रॉम दिस पॉइंट, कितना समय लगेगा उसको यहाँ तक पहुँचने में, ये अपने को निकालना है। सॉरी, ये डिस्टेंस मान लिया बेटा, ये डिस्टेंस आपके पास क्या है, वाई है, से ये टावर की जो हाइट है उसको आपने मान लिया, ये एच है, एच इज दैट हाइट ऑफ टावर। अब आपको सीधा दिख रहा है ए, ये बी, ये आपका सी पॉइंट, ये आपका डी पॉइंट। ट्रायंगल ले लो, सबसे पहले लिया आपने इन ट्रायंगल ए बी और सी, तो टेन 45 लगाओगे, परपेंडिकुलर अपॉन में कितना बेस, टेन 45 वन परपेंडिकुलर है आपका एच और बेस है आपके पास वाई, तो एच और वाई आपके बराबर आ गए, ये बढ़िया बात होगी। दूसरा लगा दो बच्चा इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, तो टेन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब भैया बेस तो इसका तो कुछ है ही नहीं, तो इसका बेस नहीं है तो ये वाला कैसे निकालें, ये सोचो कितना समय ले रहा है, ये 12 मिनट ले रहा है। आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है, स्पीड आपके पास कितनी है पता नहीं है, टाइम आपको पता है कितना है 12 मिनट है, लेट स्पीड कितनी मान ली एक्स, लेट स्पीड ऑफ कार, ऐसे सब लिखना पड़ेगा आपको एक्स, तो एक्स इंटू 12 किया तो बच्चा ये पूरी डिस्टेंस कितनी आ गई 12x, तो यहाँ रखोगे 12x प्लस का कितना वाई, करोगे नहीं करोगे। अब बेटा टेन 30 कितना होता है 1/√3, एच आपका एच है, आपको निकालना क्या है भैया, ये तो देखो हाउ लॉन्ग विल द कार टेक, कितना समय लेगी कार यहाँ तक पहुँचने के लिए, पहले तो वाई निकाल लें फिर सोचेंगे समय वमय के बारे में, टाइम वाई निकाल लेंगे, पहले वाई निकाल लेते हैं। तो बच्चा एक्स की जगह वाई कर दूँ, नहीं करोगे तो भी चलेगा, चलो 12x प्लस का यहाँ पर वाई की जगह कर दिया कितना एच, वाई की जगह कर दिया कितना एच, एच आपके दो हो गए, तो बच्चा 12x प्लस का कितना एच इक्वल टू एच रूट थ्री, कितनी एच रूट थ्री, तो एच की वैल्यू निकाल लेंगे अपन, 12x कॉमन ले लें बेटा इन दोनों का एच, यहाँ लिखूँ, लिखो तुम बोल रहे हो तो रूट थ्री माइनस का वन, इसको उधर भेजा है बेटा, है ना, तो रूट थ्री माइनस का वन और ये एच, एच की वैल्यू आ गई 12x अपॉन रूट थ्री माइनस का वन, ये तो आपको हाइट मिल गई, जो हाइट है वही आपकी वाई है, इस पहले वाई निकालना है अपने को, तो हाइट तो निकालनी नहीं थी पर वाई की जगह मैंने एच लिख लिया था, कोई फर्क नहीं पड़ा, वाई निकल गया। अब इस वाई को आप यूज़ करोगे कैसे, वाई की वैल्यू पहले तो रैशनलाइज कर लो बच्चा, रूट थ्री प्लस वन से ऊपर और रूट थ्री माइनस प्लस वन से नीचे, तो 12x अपॉन रूट थ्री माइनस का वन, रूट थ्री प्लस का वन क्योंकि रूट थ्री नीचे शोभा नहीं देता, शोभा शायद यहाँ नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ कर रहा हूँ बेटा, y इक्वल टू 12x अपॉन रूट थ्री माइनस का वन और ये कितना रूट थ्री प्लस का वन और यहाँ भी कितना रूट थ्री प्लस का वन, ये हो गया बेटा 12x रूट थ्री प्लस का वन और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थ्री माइनस का वन कितना टू, टू से सिक्स टाइम्स कट जाएगा, कितना टाइम्स कट जाएगा सिक्स टाइम्स। अब टाइम चाहिए था आपको, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस आपकी आ गई 6x अपॉन रूट थ्री प्लस का वन और स्पीड आपकी x थी, सॉरी x x काट दो तो 6√3 प्लस का कितना वन, क्षमा करना बच्चों अगर इधर का कोई नहीं दिख रहा हो तो, बाकी ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम मिल जाएगा, इतने मिनट लगेंगे इस कार को यहाँ से यहाँ तक आने, ओके चलें, गेजेट, चलो जल्दी से फटाफट लाइक कर दो, बताओ अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे, स्टार्ट फिगर बनाना शुरू करो, पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, फिगर बनाना शुरू करो। एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the hill from the foot of the tower is 60. Angle of elevation, ये तो हो गया ना सबका, कैन आई इरेज इट, कैन आई इरेज इट, इरेज ऑल कर दूँ अगले क्वेश्चन के लिए, चलो इरेज ऑल एक, अरे वाह पूरा इरेज हो गया, अब बिल्कुल साफ दिख रहा है, क्या करें बच्चे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल, ये हिल बना लिए, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एक टावर ही बना लो टावर, 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से टॉप ऑफ द हिल का कितना है बच्चों, इसको जोड़ देते हैं, ये है आपका 60 डिग्री,
द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, फुट ऑफ द हिल पर, फुट ऑफ द हिल पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये पूरा यहाँ तक है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है आपका बेटा यहाँ से 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो गया 30। इफ टावर इज 50 मीटर हाई, यानी टावर की हाइट आपको 50 मीटर दे रखी है, ये 50 मीटर 50 मीटर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, इरेज करके देखो, इरेज करता हूँ, ओहो बहुत सारी चीज़ें इरेज हो जाती है। ये टावर है इसकी 50 मीटर है, ये टी अंदर लिख देता हूँ। फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, मुझे इस हिल की हाइट बतानी है। लेट ये हाइट है आपकी कैपिटल एच, कितना है कैपिटल एच, लगा दो भैया दोनों ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये, इसको मान लो ये आपका कितना है एक्स है, तो पहले टैन 60 डिग्री, वही पहले ट्रायंगल ले लो ए, ये बी और ये सी, ए बी सी ट्रायंगल लिया, टैन 60 इक्वल टू कितना परपेंडिकुलर अपॉन में कितना बेस, टैन 60 रूट थ्री एच और ये एक्स, तो एच की वैल्यू आ गई बेटा एक्स रूट थ्री। अब एक्स कहाँ से निकालें, एक्स अगले वाले से निकालो, ये वाला ट्रायंगल ले लो, इसको मान लिया डी, इन ट्रायंगल ए सॉरी बी ए डी, इन ट्रायंगल कौन सा बी ए और ये कितना डी, बी ए डी में कितना टैन 30 इक्वल टू वही परपेंडिकुलर अपॉन में कितना बेस, परपेंडिकुलर है 50 और बेस है आपके पास कितना एक्स, टैन 30 वन बाय रूट थ्री, ये 50 और ये एक्स, बेटा एक्स की वैल्यू आ गई 50 रूट 3, एक्स की वैल्यू आ गई 50 रूट 3, इसको उठा करके यहाँ चिपका दो, एच आ जाएगा, एच इक्वल टू कितना 50 रूट 3 इंटू कितना रूट थ्री, रूट थ्री रूट थ्री थ्री, फाइव थ्री जा कितना 15, 150 मीटर, 150 मीटर इज द राइट आंसर। बोलो कोई डाउट आया कि नहीं, डन, दोनों क्वेश्चन मैंने कराए, यानी सरफेस ओ सॉरी सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री के भी दो क्वेश्चन हमारे पास सामने हो चुके। नाउ द नेक्स्ट, जगह खाली, फोर मार्कर क्वेश्चन किसके लिए, सेक्शन सी का आ गया भैया, यानी केस स्टडी का भी आने वाला है, अच्छे से देखना काम करना, मज़ा आ रहा हो तो बताना जरूर कमेंट करके कैसा लगा। रामपाल डिसाइड टू डोनेट कैनवास फॉर 10 टेंट कॉनिकल इन अ शेप, रामपाल ने डिसाइडेड किया कि जो उसने डोनेट किया कैनवास किसके लिए, 10 टेंट कॉनिकल इन शेप में, विद बेस डायमीटर कितना है 14 मीटर, इसका बेस का डायमीटर कितना है 14। फिगर बनाए, क्या बनाया, कैनवास टेंट कॉनिकल इन शेप, ये कॉनिकल इन शेप कोण, ऐसे उसने 10 टेंट बनाया, यानी क्वांटिटी कितनी है 10 टेंट्स की आपके पास क्वांटिटीज है, डायमीटर आपका 14 है तो रेडियस आपका हो गया 7 सेंटीमीटर, मीटर ओनली 7 मीटर, एंड हाइट है आपके पास 24 मीटर की, हाइट कितनी है 24 मीटर की आपके पास हाइट है। टू अ सेंटर फॉर हैंडीकैप पर्संस वेलफेयर, हैंडीकैप के लिए, इफ द कॉस्ट ऑफ 2 मीटर वाइड कैनवास, कॉस्ट जो है 2 मीटर वाइड कैनवास की वो कितनी है बेटा रुपीज 40 पर मीटर, 40 पर मीटर, फाइंड द अमाउंट बाय विच रामपाल हेल्प द सेंटर, तो बताओ रामपाल ने कितनी हेल्प करी किसकी, सेंटर की, ये बतानी, क्या कर दे। सबसे पहले बेटा आपको इसका कर्व सरफेस एरिया पता लग जाए तो ये पता लग जाएगा कि 10 जो टेंट है वो कितना एरिया कवर अप कर रहे हैं, कितना एरिया कवर अप कर रहे हैं। चलो पहले स्टार्ट करते हैं फिर बताते हैं। रामपाल ने डिसाइड किया डोनेट करने के लिए कैनवास को 10 टेंट कॉनिकल इन शेप में, तो सबसे पहले एल निकालते हैं बेटा, ये होता है आपका एल, ये स्लैंट हाइट कहलाती है। तो एल कैसे निकालोगे, अंडर रूट में 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 होता है, आई थिंक तो सबको पता होगा ये वाली बात, नहीं पता हो तो याद कर लेना, 49 बहुत ज़्यादा काम आएगा, 625 इन दोनों का सम होता है तो 25 आ जाएगा, एल कितना आ गया आपके पास 25 मीटर आ गया। बोलो कोई दिक्कत। अब सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ टेंट, टेंट का सरफेस एरिया कैसे निकाल लोगे बेटा, पाई आर एल करके, क्या करके पाई आर एल, पाई कितना 22/7, रेडियस कितनी है बच्चा 7 और लेंथ सॉरी स्लेंट हाइट कितनी है आपकी 25, 7 से 7 काट दो, 25 टूजा कितना 50, 525 टूजा कितना 50 और 5 550, 550 मीटर स्क्वायर आपके पास क्या हो गया, सरफेस एरिया आ गया बच्चा किसका, टेंट के रेस्पेक्ट में। बस अब आपको क्या करना बाकी रह गया है, 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि सरफेस एरिया आपको किसका चाहिए, 10 टेंट्स का चाहिए, तो इसको 10 से और मल्टीप्लाई कर दिया, एक टेंट का निकाल लिया उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5500 मीटर स्क्वायर आ गया, आया कि नहीं, आ गया। अब आपको क्या कह रहा है, कॉस्ट बतानी है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट बेटा यहाँ से ऑब्जर्व करो, 2 मीटर का इतना है तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा, 40/2 कर देंगे, 20 आ जाएगा आपके पास, 20 आ जाएगा, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, रुपीज़ 5500 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे 20 कर देंगे। बस अब तो क्या बचा है, 1230
टू फाइव ज़ा टेन भी एक और जीरो, टू फाइव ज़ा टेन इलेवन, वन वन ज़ीरो 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 ज़ीरो, ठीक है, वन लाख टेन थाउजेंड, एक लाख दस हज़ार रुपये लगेंगे। ये अमाउंट है जो रामपाल ने हेल्प किया किसके लिए, सेंटर के लिए, किसके लिए, सेंटर के लिए। इज इट क्लियर, आगे बात समझ, आई थिंक सो आगे होगी, बिल्कुल आसान सा था काम था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है नीचे वाला, ये वाला बहुत फेमस क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है पीटीक्यू, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार पूछते हैं। इन द गिवन फिगर टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू, दो टेंजेंट है भैया आपके पास, टीपी और टीक्यू, इन दोनों को ध्यान से देखो, ये आपका टीपी है और ये आपका टीक्यू, आर ड्रॉन टू अ सर्कल, सर्कल पर ड्रॉ किया, जिसका सेंटर है कितना, जिसका सेंटर है कितना, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टी, कहाँ से एक्सटर्नल पॉइंट टी से, इससे आपने किया, प्रूव दैट पी टी और ये क्यू अंदर वाला, ये वाला जो है ये कितना है, ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू है, दो गुना है, क्या कर दें, सबसे पहले पता है ये वाला जो एंगल होगा 90 होगा, इसको भी पता है ये वाला एंगल 90 होगा, सबको पता है ये वाला एंगल 90 होगा, अगर ये एंगल 90 और ये वाला भी तो एंगल आपका 90, बहुत सारे 90 हो गए, ज़्यादा 90 होगा, क्या करना बेटा, टी पी और क्यू, टी पी और ये क्यू, अब इतना सा एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा 90 है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का 90 है, तो ये 90 माइनस का थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 माइनस का थीटा हो जाएगा, क्या बात समझ आ रही है, एक बार वंस मोर, ध्यान से समझना, बहुत सारे 90 नहीं बनाऊंगा मैं, अच्छे से करूँगा। देखो भैया, ये पूरा यहाँ से ये अंदर तक का 90 है, तो ये बचा कुचा ये वाला कितना हो गया, 90 माइनस का कितना हो गया थीटा, इज इट क्लियर। अब आपको पता है टी पी जो है वो टी क्यू के बराबर है, टी पी जो है वो टी क्यू के बराबर है, तो टी क्यू पी बी, ये वाला एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस का कितना थीटा हो जाएगा, आगे बात समझ, बस अब कुछ नहीं बचा, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे और काम हो जाएगा, एंगल टी पी क्यू, टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी, टी क्यू पी, टी क्यू पी, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल और एंगल पी टी क्यू, ईच कितना 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, इसके लिए लिखा 90 माइनस का थीटा, इसके लिए लिखा 90 माइनस का थीटा, और ये तो गरीब निकालना ही था पी टी क्यू आपको 180। अब बेटा इस 180 से 90 प्लस 90 कट गया, तो एंगल पी टी क्यू आपके पास परोसा हुआ आ गया 2 थीटा के बराबर, किसके बराबर आ गया, 2 थीटा, थीटा कौन सा एंगल है, ओ पी क्यू है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, मुँह जवानी क्वेश्चन था, आराम से हो गया, कर दिया, आंसर आ गया, ओके डन। नाउ ऑब्जर्वेबल क्वेश्चन, ए बी सी आर द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी आपके साइड है, बी वाला पार्ट कर रहा हूँ, ए बी सी आपका साइड ऑफ द ट्रायंगल है, से ये ए है, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया, ए बी सी आर द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, सी आपका हाइपोटेनस है, अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, टचेज द साइड ऑफ द ट्रायंगल, जो ट्रायंगल की साइड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ये आपने सर्कल बना दिया, सर्कल थोड़ा सा बढ़ता टाइप बन गया बैंगन, और मान लेना है तो वैसे नाराज मत हो, बस ये और ये क्या है आपका, आर रेडियस का है, आर आर और आर रेडियस का, अच्छे से बनाओ, नाराज मत हो, चलो अच्छे से बनाता हूँ, देखो ध्यान से, क्या है ना यहाँ पर थोड़ा टेढ़ापन आ जाता है, ये रेडियस आर है, क्या है ये रेडियस आपकी, आर, टचेज द साइड ऑफ द ट्रायंगल, प्रूव दैट आर इक्वल टू ए प्लस बी माइनस का सी बाय टू, ये प्रूव करना है, तो बच्चा ये आपका पूरा बी है, ये आपका पूरा ए है, और ये जो सेलेक्टेड है ये आपका क्या है, सी है, बस अब इसको करो, आप क्या करें, इंक चेंज करो और क्या करो, क्योंकि यहाँ ब्लैक पे करना है, तो भैया कैसे करते हैं, सबसे पहली बात आपको ये पता है, क्या क्या पता है, मज़ा नहीं आया, पता करो पहले क्या क्या है, देखो बेटा ये वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को आपने बोल दिया ये आपका कौन सा है, ओ पॉइंट, सेंटर पॉइंट है ना, इसको ओ बोल दिया, ये वाला पॉइंट आपका ओ है, अब क्या दिख रहा है भैया इसके अंदर, ये पॉइंट आपने बोल दिया ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट आपने बोल दिया ये एम है, और ये बोल दिया ये एन है, कोई भी नामकरण कर दो बेटा, अब आपको पता है जो ओ से एम तक की दूरी है, ओ से एम तक की दूरी और ओ से पी तक की दूरी आपके बराबर है, और ओ एम जो है वो ओ एन के बराबर है, तो भैया ये वाली और ये वाली दूरी भी तो बराबर है कि नहीं है,
यहाँ से, इससे, ये सी से लेकर के, सी से लेकर के कर दूँ, सी एम जो है वो सी एन के बराबर है। आपको पता है टेंजेंट जो सर्कल से बनती है बेटा वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो सी एम और सी एन बराबर है, टेंजेंट आपकी इक्वल होती है, टेंजेंट लिख सकते हो। अब आपको ये पता लग गया ओ ये वाली दूरी बराबर थी और ये वाली दूरी बराबर हो गई, यानी सारी की सारी चीज़ें आपके पास मिसमैच कर रही हैं। तो ओ एम सी एन इज क्या बन जाएगा बेटा ये, क्योंकि ओ एम आपका परपेंडिकुलर है इस वाली लाइन पर, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है ए। ओ एम आपका परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, और ओ एन जो है वो आपका परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। जो भी सर्कल है वो टच कर रहा है आपके सारी साइड्स को, आपको पता लग गया ओ एम सी एन आपके पास क्या होगा, इनडायरेक्ट वे में एक स्क्वायर होगा, क्योंकि सारी साइडें बराबर आ गई आपके एक दूसरे के रेस्पेक्ट। इज इट क्लियर, सबको पता है ना, ये भी आ रहे हैं ये भी आ रहे हैं। सी एम जो है वो आपका ये एंगल अगर 90 डिग्री बन रहा है तो ये ऑटोमेटिकली अब आपका स्क्वायर है, क्योंकि इसके सामने वाला ये भी आर होगा, इसके सामने वाला ये भी आपका आर होगा, तो ओ एम सी एन आपके पास क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर हो गया, तब आपको अब ए से लेकर के सी तक की दूरी, ए से लेकर के सी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी थी, बी थी, उसको आप कैसे लिखोगे, ये प्लस का ये करके लिखोगे, करोगे नहीं करोगे। तो आपने क्या कर दिया, ए एन और ए पी आपका बराबर है, ए एन और ए पी आपका क्या है, बराबर है। तो आप कर दो, सोचते हैं, चलो और सोचो उसको अच्छे से, और अच्छा कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो। ये भी आपका बराबर है बी एम, और ये बी पी भी आपका क्या है, बिल्कुल बराबर है। तो अब ए एन आपने उठाया, ए एन किसके बराबर है बेटा, ए पी के बराबर है, ए एन जो है वो ए पी के बराबर है। ए एन कैसे निकाल दूँ मैं, ए सी में से एन सी को माइनस कर दूँ, ए पी को कैसे निकाल दूँ, ए बी में से, ए बी में से बी पी को माइनस कर दूँ, ए बी में से बी पी को माइनस कर दूँ, ठीक है। तो ये ए सी तो आपका बी है, एन सी आपके पास क्या है, आर है, ए बी आपके पास क्या है, सी है, और बी पी आपके पास क्या है, बी पी जो है गरीब बी एम के बराबर है, ये किसके बराबर है, बी एम के। और बी एम को आप क्या लिख सकते हो, बी एम को ए माइनस का आर लिख सकते हो। तो इसको लिख दिया आपने ए माइनस का कितना आर, लिख दिया नहीं लिख दिया, इसकी कोई नीड नहीं है, बाद में देखेंगे। ये आपका आर है बी माइनस का कितना आर, तो b माइनस का r इक्वल टू बेटा c माइनस का r प्लस का कितना r, इस r से को इस r के साथ ले लो, ये आपके पास 2r हो जाएगा, बाकी सबको उधर भेज दो बच्चा, इस r को इधर भेज दिया, इसको उधर भेज दो, a उधर जाएगा, b उधर जाएगा, c उधर जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, तो r की वैल्यू पक्की पकाई a प्लस का b माइनस का c अपॉन 2 आ जाएगा। क्लियर, दैट्स मच इज द आंसर, दैट इज द 12th वन क्वेश्चन। इज इट क्लियर, आसान था, कुछ नहीं करना आपको, साइड्स को यूज करके काम करना है। चलो आई थिंक सो, कोई दिक्कत नहीं, चले अगला। केस स्टडी का भारी सा क्वेश्चन, केस स्टडी का भारी सा क्वेश्चन, देखते हैं कि क्या करते हैं, कुछ तो करेंगे सही। शक्ल गंदी, काम बहुत आसान, बिल्कुल सब एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री इसके अंदर अप्लाई हो सकती है। सोचो और पढ़ो, करो, पढ़ो, पहले पढ़ लो, जल्दी पढ़ लो। एक सैटेलाइट है फ्लाइंग एट अ हाइट एच, वो एच हाइट तक फ्लाई कर रही है, इज वॉचिंग द टॉप ऑफ द टू टॉलेस्ट माउंटेन। इसमें आपके दो टॉलेस्ट माउंटेन है, एक सैटेलाइट है, दो टॉलेस्ट माउंटेन्स हैं, उत्तराखंड और कर्नाटका। देन देम बीइंग नंदा देवी, इतनी हाइट पर है, मुलायगिरी आपके 1930 मीटर पर है, जो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन है फ्रॉम द सैटेलाइट का टू द टॉप ऑफ द नंदा देवी एंड ये आर 30 डिग्री, वो आपके पास है 30 डिग्री, यानी बच्चा यहाँ से ये एंगल है डिप्रेशन का 30, है ना, और ये आपका कितना है 60 डिग्री, ये नंदा देवी है और ये आपका मुलन गिरी है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पीक ऑफ द टू माउंटेन इज, दोनों के जो पीक ऑफ द माउंटेन है इनके बीच की दूरी 1937 किलोमीटर है, कितनी है बच्चा 1937 किलोमीटर, यानी यहाँ से पूरी पूरी दूरी आपकी 1937। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पीक ऑफ द, ये पीक ऑफ द टू माउंटेन्स, दो दो के पीक की जो दूरी है वो 1937 है। द सेंड द सैटेलाइट इज वर्टिकली अबाउ द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट से दूर है थोड़ी सी, ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू माउंटेन्स, किसके बीच की, दो माउंटेन्स के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, दो माउंटेन्स के रेस्पेक्ट में। अब क्या करें बच्चों इसके अंदर, सबसे पहले ध्यान से ऑब्जर्व करो, एफ ए जी आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, एफ जी आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, इन ट्रायंगल कौन सा, एफ जी और ये ए आपको ट्रायंगल दिख रहा है,
जहां पर आप ध्यान से एजी को देखोगे, एजी वाली जो दूरी है ये जस्ट आधी है आपकी, जो भी ये किलोमीटर है 1937 बाय कितना है 2 किलोमीटर। तो बच्चा यहां से आप काम करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब ऑब्जर्व करो, ये एंगल आपका कितना है, से थीटा है। क्या ये एंगल थीटा? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम टॉप ऑफ द नंदा देवी। नंदा देवी के टॉप से आपको डिस्टेंस बतानी कितनी होगी। तो भैया यहां से आपने क्या निकाला, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज बेस हियर, एजी आपका बेस है। व्हाट इज हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एएफ आपका हाइपोटेनस, एएफ आपने बना दिया। तो भैया ये तो आपको दे रखा है कॉस कितना, ये 30 है तो ये भी कितना हुआ 30। तो कॉस 30 की वैल्यू रूट 3 बाय कितना 2। ए से लेकर के जी तक की डिस्टेंस ये री 1937 बाय कितना 2 और ये कितना एएफ। अब आप एएफ आराम से निकाल दोगे, मतलब ये दूरी आपको पता लग जाएगी कितनी है। तो एएफ आप कैसे निकाल दोगे बच्चों, इसको ऊपर और इसको इधर, 1937 बाय 2 ऊपर और इसको नीचे, तो रूट 3 बाय कितना 2, तो 2 से 2 काट दो, तो 1937 अपॉन रूट 3 आ गया। कौन एएफ, बोलो को डाउट। यहां से आपने एएफ निकाल लिया 1937 बाय कितना रूट 3। इज इट क्लियर, इतना किलोमीटर होगा क्या डिस्टेंस ए से लेकर के एफ तक का, जो पूछा था सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द सैटेलाइट से लेकर के नंदा देवी तक की जो आपकी हाइट है, ए से लेकर के एफ तक की जो दूरी है वो इतनी होगी। ये बात समझ आ गई, इज इट। अब आपको पूछा क्या अगला, फाइंड टोटल डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ मोलनगिरी। मुझे टोटल डिस्टेंस भी बतानी है, मतलब एफ से लेकर के पी तक की दूरी और बतानी है। तो पहले एफ से लेकर के पी तक की दूरी और अपन डिटरमाइन कर लेते हैं, तो वो भी सेम ट्रायंगल। अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल भी कितना हुआ, 60 हुआ। अगेन आपने लगाया कॉस 60 डिग्री, वही परपेंडिकुलर एफ से लेकर के एच तक, नहीं बेस लेना है, गलत मत करो बच्चों, बेस लेना है पी एच, बेस है आपका पी एच और हाइपोटेनस है आपके पास एफ पी, वो निकालनी। कॉस 60 कितना बेटा, 1/2। पी एच, पी से लेकर के एच तक की डिस्टेंस वही सेम होगी बेटा जो पहले थी, 1937 बाय कितना 2, क्योंकि ये और ये तो बराबर ही होंगे ना, ये अंतर क्यों होगा, ठीक है, अपॉन में कितना है ये एफ पी है, 2 से 2 काट दो, तो एफ से लेकर के पी तक की दूरी आपकी सिंपल 1937 किलोमीटर आ जाएगी। ये आपका सेकेंड वाला, क्या ये वाली बात समझ आ गई है? हाँ या सुनो, ईजी है, आपको ये वाली दूरी और ये वाली डिस्टेंस चाहिए थी, दोनों को डिस्टेंस आपने निकाल लिया। चलो केस स्टडी का पहला क्वेश्चन, नाउ द नेक्स्ट वन, केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 2 और लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना बच्चों क्या करना है, दो दो नंबर। योर एल्डर ब्रदर, भैया हमारा एल्डर ब्रदर वॉन्ट टू बाय अ कार, उसने एक कार खरीदी और प्लान किया टू टेक अ लोन फ्रॉम बैंक ऑफिस का, और लोन लिया कहाँ से, कार से। ही रिपे हिज टोटल लोन ऑफ 118000 बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इतना। इफ ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट 100 एवरी मंथ, हर महीने 100 रुपये बढ़ा देता है। फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम 30th इंस्टॉलमेंट में कितना होगा। एपी का क्वेश्चन, इतना ऑब्जर्वेशन लग गया। योर एल्डर ब्रदर वॉन्ट टू बाय अ कार, कार खरीदी। बच्चे मुझसे कहते हैं सर ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, डिलीटेड सिलेबस में। अब देखो केस स्टडी में आ गया, तो बस काम का है। तो प्लान किया टू टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर हिज कार, ही रिपे, इतना। तो भैया फर्स्ट टर्म कितनी हुई, पहली बात तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी थी 1000 की। कॉमन डिफरेंस कितना, हर महीने वो 100 बढ़ा रहा है, तो कॉमन डिफरेंस ये हो गया। उसको पूछा है 30th इंस्टॉलमेंट में कितना होगा, यानी ए प्लस का 29, डी करना है 30 माइनस का 1। ए आपका 1000 है, 29, डी आपका है 100, तो आपके पास हो गया 1000, 1000 प्लस का 2900, तो ये आपका बिल्कुल सोबर 3900 आ गया। ये बिल्कुल पक्का पकाया क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आपके पास आता है, वो बोला है टोटल सम ऑफ अमाउंट कितना है, 1,00,000, 1,18,000, इतना आपके पास है, उसको इतना लोन पे करना है। यानी सम किसका पूछा है उसने, अब अगला अमाउंट ऑफ पेड बाय 30 इंस्टॉलमेंट, A/S 30 पूछा। तो फॉर्मूला n/2, 2a प्लस का n माइनस का 1, 30 माइनस का 1 इंटू कितना d अप्लाई करेंगे, ये आ गया बेटा 15, 2 इंटू फर्स्ट टर्म 1000, 30 मतलब 29, d मतलब कितना है 100, ये आ जाएगा बेटा आपका कितना 2000 प्लस का 2900,
बस अब आपको इसको सॉल्व करना है, 15 × 4900 आ जाएगा, बस सॉल्व कर दो। आई थिंक सो 73500 आपके पास है, इज इट क्लियर? तो 30 इंस्टॉलमेंट के अंदर आपके पास हाउ अमाउंट पेड बाय हिम इन 30 इंस्टॉलमेंट, 30 इंस्टॉलमेंट कितना अमाउंट पे किया उसने, ₹73500 इतना पे किया, क्लियर? चलो आई थिंक सो सबको मजा आया होगा आज के 14 क्वेश्चन करने में। केस स्टडी के क्वेश्चन लैंग्वेज बेसिस पर एपी के क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं और सम एप्लीकेशन और टिग्नोमेट्री से मिलते जुलते हैं, तो बच्चा इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो और कंप्लीट करने की कोशिश करो। टिल देन बहुत जल्दी अपन नए एक और पेपर के साथ मिलेंगे, तो जल्दी से चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना। किसी टॉपिक के अंदर डाउट हो तो मुझे बताना, मैं उसका आपको वीडियो लेक्चर्स के लिंक भेज सकता हूँ, तो उन वीडियो लेक्चर्स को फॉलोअप करके आप उस चैप्टर को बूस्टअप कर सकते हो, ठीक है, अगर किसी में भी डाउट हो। टिल देन बहुत जल्दी बहुत अच्छे के साथ, बाय बाय।